से आने वाली वीडियो को भी देख लिया करें। तो ये मैंने मार्केट की पापड़ी ले ली है, ये बहुत इजी घर पे भी बन जाती है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इंशाल्लाह, जब वीडियो आएगी बना देंगे इसकी भी। तो इस पे मैंने ले लिया है आलू बॉयल, आलू बस उसमें नमक डाल दिया है बस, और कुछ नहीं किया। आलू बॉयल करने की क्या वीडियो बनाना। और इसमें मैंने काला नमक छिड़क दिया है और ये भुना जीरा ऐड कर देना है और फिर ऐड कर देना है चाट मसाला। और बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनता है, सबसे अच्छा लगता है कि ये मिनटों में बन जाती है रेसिपी। तो अब हरी चटनी भी मैंने स्टोर करके रखी थी तो वो भी मैंने ऐड कर दी इस पर। और अब हम इस पर ऐड करेंगे इमली की चटनी। अच्छा, आपने रमज़ान प्रिपरेशन वाली वीडियो आपने देखी है कि नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप ज़रूर देख लीजिएगा वो काम की वीडियो। और अब हम इसमें दही ऐड कर दिए और ये अनार से ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, अगर हो तो आप ज़रूर ऐड करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर ऐड करेंगे इसमें बारीक वाला सेव, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वेफर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा अच्छा लगता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला फिर से, और भुना जीरा ऐड करेंगे, और फिर धनिया की पत्ती ऐड करेंगे, और ये हमारी रेसिपी बन के तैयार है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा इस रमज़ान और अफ्तार में। तो ये बहुत इजी है और बिना जहमत और बिना मेहनत के ये बन जाएगी, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्यारा सा कमेंट दे दिया करिए, क्या करना रहता है, एक अच्छा सा कमेंट देने में क्या जाता है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।